जो है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में भी कराना चाहता हूँ कि इस वर्ष आपकी योजना सभी लाभुक हमारे यहाँ उपस्थित है, अभिवादन करें। सभी को जोहार। वहां जाके राशन कार्ड का फॉर्म भर रहा है, जहां राशन कार्ड का काउंटर है वहां सावित्री भाई फुले योजना का फॉर्म भर रहा है। बहुत बेचारा अभी भी पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए अपने माँ बाप को सहायता करने के लिए हमने ये किताबें बनाई है जो आपके स्कूलों में रहेगा, और आप उनको जरूर देखिए और अपने घर में माँ बाप को बताइए कि आप क्या क्या सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है। आपके खूंटी जिला के अंतर्गत और आपका शिक्षा कैसे बेहतर हो, आजकल कई प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, सरकारी स्कूल के बनस्पत की बहुत महंगी फीस, बड़े बड़े उनके कोर्सेस, आज के प्रतिस्पर्धा के साथ नियम कानून देश में तो बहुत कम्पिटेटिव बनता है, बहुत प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्थाएं में हमारे जो बच्चे बच्चियां पढ़ती है उन स्कूलों से उतने बड़े प्रतिस्पर्धा में बहुत ज़्यादा बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हमने आपकी बेहतर शिक्षा के लिए उत्कृष्ट विद्यालय बनाने शुरू कर दिए। आपके जिला में 3-3 उत्कृष्ट विद्यालय बना है, 2 खूंटी में, 1 कर्रा में। अभी तो हम लोगों ने पहला चरण में 80 विद्यालय पूरे राज्य में खोले हैं, और आने वाला ये स्कूल 80 से बढ़कर के 5000 स्कूल हम खोलने जा रहे हैं, और वो स्कूल पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूलों की तरह चलेगा। उसमें कंप्यूटर लैब भी रहेगा, केमिस्ट्री लैब भी रहेगा, बायोलॉजी लैब भी रहेगा, ज्योग्राफी लैब भी रहेगा, सभी तरीके से सुसज्ज। और उसमें जो शिक्षक होंगे वो बेहतर ट्रेनिंग लेकर के उच्च शिक्षा वाले शिक्षक उन स्कूलों में सभी सब्जेक्टों के अलग अलग शिक्षक होंगे, और आप उस स्कूल में जो हमारे गरीब गुरुआ बच्चे हैं उसमें मुफ्त पढ़ाई करने का काम करेंगे। अभी कई सारी बातें हैं, अगर मैं उन सबको गिनाना शुरू कर दूंगा तो समय बहुत कम पड़ेगा। अभी हमें और भी कार्यक्रम जाना है। हम यहाँ पर महिलाओं से विशेषकर दीदी लोग आती हैं, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आज आपके बदौलत हम कितनी लंबी लंबी लड़ाई जीत पाते हैं इसका अंदाजा नहीं है। कोरोना का महामारी को याद कीजिए, हाट बाजार गाड़ी मोटर सब बंद, बाजार में किसी को रोजगार मजदूरी भी नहीं मिल रहा था, और हमारा गांव देहात इतना गरीब कि अगर रोज मजदूरी नहीं मिलेगा तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं चलता, और ऐसी स्थिति में भी हमारी गांव की महिलाओं ने हमें इतना मजबूती के साथ सहयोग दिया कि इस महामारी में अपनी जान की परवाह किए बगैर गांव-गांव में दीदी बाड़ी योजना चला करके मुफ्त गरीबों को अनाज खिलाने का काम कर रही थी। लेकिन इसमें मुझे बहुत एक तकलीफ होती है, देखकर बहुत बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है कि हमारी महिलाएं बड़े पैमाने पर हड़िया दारू बेचती हैं बेचारी, हाट में, पेड़ के नीचे, बस स्टैंड के अगल बगल। बहुत इससे है, आपको मैं बता दूं, इससे हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, इससे बल्कि हमारा समाज और पिछड़ जाएगा। और इसमें कुछ लोग बड़े सुनियोजित तरीके से इसका एक व्यापार बना लिया है, और वो हमारे हाथ के माध्यम से अपना जेब भर रहा है। मैं उन महिलाओं से कहना चाहूंगा कि आपके लिए हमने फूलो जानो आशीर्वाद योजना लाया, आप जो माथा में जो हड़िया का डेगची लेके घूम रहे जाते हैं, आप वो डेगची को उठा के फेंकिए और सरकार की योजना को माथा में लेके चलिए, देखिए आप कितना मान सम्मान से जिएंगे, हमारा परिवार और समाज कितने मान सम्मान से आगे बढ़ेगा।
आइए 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 बताइए, आप मार्गदर्शन दीजिए। कहा आप लोग यहीं से हैं? हाँ यहीं से, यहीं से। चले बहुत तभी आपसे मिल पाए। चलो कसीरा, वाह, लो क्या मिला? ये मिला।